क्या? नहीं नहीं लेकिन उसका आएगा तो सही ना. हाँ उसका आएगा तो सही. क्या कहना चाहोगे? क्या होगा इससे? टिकटॉक बनाएंगे आप? मौसम बड़ा मजेदार हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं. मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ तो मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स तो बनाऊंगा नहीं. इतना कोई शौक नहीं. रोज़ रोज़ बारिश होती है यहाँ पे. लेकिन वो बात है कि लेकिन कीचड़ नहीं फैलती. ठीक है कराची वालों, सॉरी मजाक करो यार. मैं भी कराची का हूँ, ऐसी बात नहीं है. आप बुरा ना. अभी चल रहा है मेरा 6th day कटिंग का और 21 दिन रह गए मेरे पास. तो खैर जो पहले जो 2 दिन थे उससे मैंने कार्ब्स जो है वो सही रखे हुए थे, ठीक है. लेकिन उसके बाद जो है वो क्या नाम है, पिछले 4 दिनों से मैं कार्ब साइकिलिंग कर रहा हूँ. मतलब जिस दिन मेरे बड़े मसल्स होते हैं लाइक बैक और सेकेंडली मेरे जो लेग्स होते हैं उन दिन मैं कार्ब्स हाई रखता हूँ. मतलब 4 मील्स में कार्ब रखता हूँ. उसके बाद जो मेरा सेकेंड डे होता है मतलब चेस्ट, सेकेंड मसल्स चेस्ट हो गए और कहते हैं आपके लोअर बैक. जी क्या अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. दिखाओ इधर आ गया. ये डोरा, डोरा दी एक्सप्लोरर. हाँ अच्छा लग रहा है बहुत. ठीक है हाँ. तो खैर मैं बात कंटिन्यू कर रहा था कि जो मेरे मीडियम काफ्स जो होते हैं वो मेरे चेस्ट के दिन पे होगा और जिसे मैं डेडलिफ्ट लगाऊंगा, ठीक है. और उसके बाद मैं लो काफ्स होंगे मेरे आर्म डे पे होगा और सेकेंडली होगा रेस्ट डे पे और थर्ड एब्स और कार्डियो वाले. तो प्रीटी मच इट. और क्या नाम, अभी तक तो कोई डंडी शंडी नहीं मारी लेकिन देखना है कि 21 दिन के बाद मतलब 27वें दिन पे क्या मेरी कंडीशन होती है फिजिक की. तो बट चल कोशिश कर रहे हैं अभी तक. हाँ एक जगह पे मारी थी थोड़ा सा जो है वो पिज़्ज़ा का, समझ लो कि 2-3 बाइट्स खा लिए थे. अगर थोड़ा सा शौक पूरा हो जाए ठीक है, एक थोड़ी को फील आ जाए, बाकी कोई खास ज़्यादा नहीं किया, ठीक है. तो लेकिन अभी तक चेंजेस आ रहे हैं. इतना कोई खास अभी तक फ़र्क नहीं आया क्योंकि मैंने काफ़ एकदम बंद नहीं किए. इस वीक काफ़ साइकिलिंग चल रही है. नेक्स्ट जो वीक है ना वो होगा मेरा नो काब. वीडियो पे आ जाऊंगा ठीक है, ईद के बाद कोई जो हफ्ता होगा. लेकिन खैर अभी का तो ये सीन्स है. लेकिन आज मेरा हाई काब डे है और हाई काब डे में मेरे पास दलिया है, चावल है, नाश्ते में ब्रेड्स हैं और चौथा अंगूर और केले. ये मेरे हाई काब डे की सिस्टम है. और जो मेरे लो काब के दिन होते हैं उनमें से मैं दलिया और आपका ब्रेड्स जो है ये मैं निकाल लेता हूँ, बाकी मैं खा लेता हूँ. और जो मेरे मीडियम काब डे होते हैं सिर्फ दलिया निकालता हूँ. तो समझ गए होगे, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लें इंस्टा पे. मैं वहाँ पे सारी नॉलेज दे दूँगा कि मतलब मैं किस तरह से अप्रोच करूँ, सारी डाइट बता सकता हूँ उसको. तो खैर जब मैंने जिम अपने जिम के ओनर को बताया ना कि मैं कर रहा हूँ तो उसने बोला कि कार्डियो भी ऐड करो ना. तो उसे मुझे एडवाइस है कार्डियो ऐड होना चाहिए. तो अब सीन ये है कि मैं तो आधी रात को सोता हूँ, सुबह उठा नहीं जाता. तो मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं. एक ऑप्शन ये है मैं सुबह सुबह उठ के रनिंग पे जाऊँ और कार्डियो हो जाएगा वहाँ से. हफ्ते में 3 दिन मैंने करना कार्डियो, तो सुबह सुबह उठ के मैं रनिंग पे जाऊँ. या अगर सुबह मैं ना उठ सका तो सेकंड ऑप्शन मैंने पता क्या रखा है. मैंने ये ऑप्शन रखा है कि मेरे पास ये ना स्किपिंग रोप, ये आफ्टर वर्कआउट रात के टाइम 300 कॉन्टीन्यूसली, लाइक मतलब अगर बीच में रुक जाता हूँ इन सेट्स लेकिन कॉन्टीन्यूसली 300 स्किपिंग रोप्स पे जो है जंप्स लगानी है. और अगर आप लोगों को है कोई कार्डियो वगैरह करना है और सुबह रनिंग सनिंग का कोई है नहीं या ट्रेडमिल पर नहीं भाग सकते तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू बर्न ओवरऑल योर बॉडी, ठीक है.
तो खैर पोस्ट खा के ना मैं नहाने चला गया था, क्योंकि अगर आप मतलब नहाओ ना फौरन तो जब पसीना सूखता है तो आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं और आपके जो बाल हैं और स्किन है वो डैमेज हो सकती है। बात कर ली थी एक बड़ी ज़रूरी बात आप लोगों से करनी थी, और वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना तो बहुत कम घर होंगे जहाँ पर ये समझा जाएगा कि जो डिग्री होती है ना आपकी, जो आप मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी जिस फील्ड में कर रहे हो अपनी डिग्री के अलावा भी पैशन हो सकता है या डिग्री के अलावा भी करियर स्टार्ट हो सकता है। ये पाकिस्तान में बहुत कम हमारे जो है ना वो वालदैन जो ये बात समझते हैं, अगर आपकी वालदैन है तो यू आर लकी। तो खैर बात यह है कि जितनी मैं मेहनत करूँ ना उसका कोई फ़ायदा है, व्हाट द वर्ल्ड सीज़ इज आपका रिजल्ट क्या देख। मतलब अगर मैंने दो साल मैं सुक्का से स्टार्ट किया था जब, ठीक है, तो उस वक्त लोग भी नहीं देखते थे कि मैंने मेहनत कितनी की है और क्या नाम है, मेरी मेहनत चल रही है, मैंने अच्छी डाइट रखी है, मैं रोज़ वर्कआउट पर जाता हूँ, मैं नींद को और बाकी सोशल मीडिया को मैंने प्रेफरेंसेस के ऊपर दिया, ठीक है, और बाकी अपने शुगर मेले को मैंने इसके ऊपर प्रेफरेंस दिए, दोस्त जाते हैं शाम को शुगर मेला लगाते हैं, मैं जिम में होता हूँ वर्कआउट कर रहा होता हूँ और वो ख़राब काम करते मैं डाइट कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने तो मेरी कोई नहीं दिखता था, लोग कहते थे कि बस सही है आपने लिखा रहा ये वो, बट व्हेन द शॉक यार इस नेक्स्ट साल के अंदर क्या गेन कर लिया माशाल्लाह से, तो फिर कहते थे कि वाह यार क्या बात है। वही लोग जो स्टार्ट में मेरा मजाक उड़ाते थे वही मुझे बाद में पूछने लगे कि यार डाइट तो बता किस तरह से किया था, तो बस यही बात थी कि आपका कोई भी हार्डवर्क नहीं दिखेगा यहाँ पर, रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है, हार्डवर्क आपके अपने लिए करता है कि आपको पता है कि मैंने किस तरह से प्रोसेस, मैं कहाँ था मैं कहाँ हूँ, बट द वर्ल्ड डजंट सी दिस, ठीक है। तो खैर यूट्यूब चैनल बनाया था मैंने, सोचा यही जर्नी दूंगा अपनी, और कल रात को यह हुआ कि मैंने ये हुआ कि होता है एक चिकन जो मेरा बनता है चिकन और चावल जो मैं प्री वर्कआउट में खाता हूँ, तो अम्मी जो है ना उन्होंने कहा कि मैं बना देती हूँ आपसे तुम्हारे लिए, मैंने कहा ठीक है आप बनाया करें, ठीक है जी, नहीं कर पूछ पूछ। तो फिर ये हुआ कि कल रात को जो है ना अम्मी कॉल आई कि बेटा तुम बाहर के बिना शर्मा खा के आ जाओ। मैंने बोला अम्मी जी 27 दिन की बात है यार, 27 दिन में मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को ना, मैंने बाद में कुछ ऐसा मतलब उतनी डाइटिंग लेवल पर रखूँ जितना मैं भी रखा हुआ ना मैंने पहले रखा हुआ था, तो फिर अगर आम दिनों तो मैं खा लेता, लेकिन वो कहते कि यार तुमने क्या मजाक बनाया लाइक तुम्हें कहना पे डाइट करने लग गए, लड़कियों के काम है ये है तो वो है, उनके लगे मैं मतलब सिर्फ फैट बता रहा हूँ, हालांकि मेरा फैट नहीं है मैं इतना लीन हूँ, ठीक है, वो कहते तुम ऑलरेडी इतना सूखे हुए तो आप क्या नाम है तुम और कितना लूज करोगे फैट, तो ये वो तो उनको लग रहा था मेरी लड़कियों वाले शौक है, मगर उनको ये नहीं पता कि एक गोल है मेरा एंड पे जो मैंने अचीव करना है, ठीक है, खुद देखना है अपने आप को, ठीक है, खुद बेहतर करना है और हर चीज़ में जो है वो बेहतरी होती है, तो अपने गोल होता है। तो खैर इसका मतलब ये नहीं कि मैं शर्मा खा के आ गया, ठीक है, मैंने घर आ गया खुद बनाया चावल खुद बनाया अपना चिकन, ठीक है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है सिर्फ तुम अकेले हो, ठीक है, करके दिखाओ जो शौक है करो, मैं ये नहीं कहता जाके वेट उठाओ या डाइट रखो, किसी भी चीज़ में पैशन है, गेमिंग है या कोई और चीज़ है, क्रिकेट में फुटबॉल में किसी भी चीज़ का पैशन है उसको परस्यू करो, दुनिया तुम्हें रोकेगी लेकिन कब तक रोकेगी, माँ बाप तुम्हें घर से दिन निकाल देंगे ना, कहेंगे टोकेंगे मना करेंगे डांटेंगे लेकिन एट द एंड तुमने रिजल्ट का वेट करना है। तो खैर सारी बात ये अपनी मेहनत जारी रखो रिजल्ट का वेट करो, तो है मंजन बहुत बेच लिया है मैंने सुनना थोड़ी देर में कुछ खा पी के, तो खैर चलते हैं बाइस थोड़ा सा हो गया लेकिन होगा होगा पता लग जाएगा बाद में, ठीक है, तो